Hi everyone, welcome back to my channel. मैंने ये कान्हा जी का झूला बनाया है. मैं बहुत दिन बाद कोई वीडियो या व्लॉग शेयर कर रही हूँ. 1st of August से 16th of August तक मेरा वेकेशन चल रहा था. पहले मेरे बचपन के फ्रेंड्स आए एंड उसके बाद जेनिथ की फ्रेंड आई और हमने पूरा नॉर्थ एंड साउथ गोवा अच्छे से घूमा है. एंड वो टाइम को मैंने अच्छे से एंजॉय किया है, पूरे टाइम को एब्जॉर्व किया है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. मैं कोई भी काम नहीं कर पाई हूँ. आई डोंट रिग्रेट बिकॉज वो मोमेंट काफ़ी कम आती है एंड मैं उसे थॉरली एंजॉय करना चाहती थी. तो मैंने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह शेयर किया है, बट येस यूट्यूब मैं कोई लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट नहीं शेयर किया था. बट एनी हाउ अभी तो मैं काफ़ी फ्री हूँ एंड अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारे कॉन्टेंट मेरे को शेयर करना है. तो अभी से मैं बहुत एक्टिव रहूंगी. एंड आज ही एक फेस्टिव डे है, जन्माष्टमी है. हर साल मैं जन्माष्टमी मनाती हूँ, घर में अच्छे से पूजा करती हूँ, पूरा दिन मेरा फास्टिंग भी रहता है. तो आज का वीडियो उसी रिलेटेड होने वाला है. सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो ली हूँ एंड अभी तक पूजा नहीं हुआ है, पूजा थोड़ी देर में ही करूँगी जो सुबह का पूजा होता है. एंड उसके बाद दिन भर मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, बट हाँ पानी ज़रूर पीऊँगी क्योंकि मैं पानी के बगैर नहीं रह पाऊँगी. इतना निर्जल फास्टिंग मैं नहीं कर पाती हूँ तो पानी मैं पीऊँगी. बट यस, खाना नो फ्रूट्स नथिंग, सीधा जाके रात को 12 बजे पूजा करने के बाद ही प्रसाद खाऊंगी. सो यह आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं डेकोरेशन वगैरह भी शेयर करूंगी, किस तरह से मैं कान्हा जी को सजा रही हूँ, बैकड्रॉप कैसे सजा रही हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना. अभी पूजा हो गया है डन और अभी मैं थोड़ा सा पानी पी सकती हूँ. सुबह से मैंने कुछ भी पानी वानी नहीं पिया है. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बैठ के पानी पीऊंगी. अब जाके थोड़ा सा राहत मिला. मेरा सुबह उठ के पहला काम होता है कि मैं एक ग्लास पानी पीती हूँ, बट आज फास्टिंग के लिए मैं सुबह कुछ नहीं पी थी एंड मैं सोच रही थी कि पूजा के बाद ही मैं पानी पीती हूँ, सुबह का जो मॉर्निंग पूजा होता है. बट वो कहते कहते भी लेट हो गया, इट्स नाउ 11 o'clock. सुबह जल्दी उठ गई थी बट वो जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं ना उसे धोने में काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए पानी भी पीने में लेट हो गया. तो मेरे को ऐसा डिहाइड्रेशन जैसा फील होने लग गया था, बट नाउ इट्स ऑल गुड. और फिलहाल मैं जाऊंगी जहाँ पे मैं अपना बाल गोपाल को बिठाऊंगी, वो जगह को मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगी हर बार की तरह. पहले 2 साल में मैंने थोड़ा सा ईजी रखा था बट वेरी क्यूटली डेकोर किया था. नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूंगी, अगर इंटरेस्टेड है तो वो वीडियोज भी देख सकते हो. वहाँ पर भी मैं जन्माष्टमी व्लॉग शेयर की हूँ. एंड अब की बार भी एक थीम सोचा है, लेट्स सी कैसा टर्नआउट होता है. यू माइट बी द वन दैट ट्रूली गेट मी एंड आई माइट बी द वन यू रियली वांट एंड आई फील इट टू बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू. सो गाइस, मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे एक रील शूट करना था और मैंने ऑलमोस्ट, जैसे मैंने दिखाया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेडी कर दिया है. तो मेरा जो बैकड्रॉप है, जो भगवान जहाँ पे बिठाऊंगी, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है. एक मिनट मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ. सो दिस इज द सेटअप. मैं पूरा वाइट एंड येलो थीम में रखी हूँ अब की बार, पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एंड सब कॉम्बिनेशन भी उस हिसाब से सेट हो गया. अभी ये जो झूला है ना इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी क्योंकि ये बहुत ही प्लेन लग रहा है, तो इसे डेकोरेट करूँगी एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो पूजा के टाइम में यूज़ होता है. This is when you tell me that you're different. This is when you try to make me fall. Convince me it's true. That is why you want. So guys, मेरा झूला कान्हा जी का रेडी हो चुका है. मेरे पास जितने सामान थे ना उसी से ही मैंने डेकोरेट किया है. लास्ट टाइम की तरह ये जो थर्मोकोल के फ्लावर्स है ना वो हमेशा मैं झूला में सजाती हूँ. मुझे वो बहुत कलर अच्छा लगता है एंड दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है. बट मेरे पास कुछ पुराने राखीज थे, उससे मैंने ये कान्हा जी का झूला बनाया है.
ऊपर में जो फ्लावर देख रहे हैं वो भी वो थर्मोकॉल के हैं, साइड में मैंने दे दिया है, यहाँ पे मैंने रिबन लगाया है। एंड ये ना मेरे कोई शादी में या कहाँ पे मिला था पता नहीं, बहुत दिन से रखा था मैंने, बस बैकड्रॉप की तरह उनके वैसा सजा दिया है। एंड ये भी जो राखी आती है ना भाभी वाला लुम्बा, वो था मेरे पास, और मैंने कुछ इस तरह से झूला को झुलाने के लिए सजाया है। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि मैंने पूरा जो भी एग्जिस्टिंग चीजों से ही सजाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इको फ्रेंडली भी है, हम चीजों को थ्रो भी नहीं करते हैं एंड उसी से ही सजाते हैं। मैं अब यहाँ पे झूला को रख दूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक मिनट इसे सीधा कर दूं। कान्हा जी का झूला, इस पे और भी काम बाकी है। मुझे फोकस लाइट लगाना है, कान्हा जी को रात को बिठाना है, रियल फ्लावर से भी सजाना है, तो वो सब तो मैं शाम को करूंगी, बट फिलहाल के लिए मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट्स वगैरह थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। 3 hours later. हाय गाइस, मैं बहुत देर बाद ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट मैं दिखाई थी, शायद मैं डेकोरेशन कर रही थी, कान्हा जी को कहाँ बिठाई हूँ, वो 2 बजे के आसपास था। उसके बाद मैंने एडिटिंग किया, रील एंड शॉर्ट्स डाला है। अगर आप नहीं देखे हो तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो देख सकते हो। जो मैं व्लॉग में शेयर की हूँ उसे थोड़ा सा ब्यूटिफाई करके मैं रील्स एंड शॉर्ट्स में शेयर की हूँ। तो यस, वो सारा चीज़ मैंने किया है। उसके बाद से ना मैं बस बेड में पड़ी ही थी, बिल्कुल भी मेरे अंदर ताकत नहीं है। समहाउ पता नहीं, अब की बार बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरे को, और बिल्कुल भी मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो बेड में ही लेटी थी। एंड उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत मैंने प्रसाद का प्रिपरेशन किया है, जैसे कि आलू की सब्जी बन गई है, हलवा बन गया है, और पूरी का भी मैंने सब तैयारी करके रख दिया है। बस मेरे को एक ही सब्जी बनानी है, पनीर की, जो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अभी मैं बैठ के ना चाय पी रही हूँ, मतलब अब मेरे से रहा नहीं गया। सुबह तो पानी पी थी, दिन भर पानी पी रही हूँ, बट पता नहीं क्यों हेडेक हो रहा है, ये शाम होते ही ना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ। थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाऊंगी, फिर उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद जो बनाना है वो बना के पूजा का तैयारी थोड़ा सा करके नहा धो के फिर रात को 12 बजे पूजा करूंगी। या अभी चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बड़े मुश्किल से अभी मैं किचन तक उठ पाई हूँ। मैंने पनीर बना लिया है, और मतलब जन्माष्टमी में थोड़ा सा दूध का नहीं हो तो फिर वो मजा नहीं आता है ना। और अभी मैं एक सिंपल सा रेसिपी देख बनाऊंगी, ऑनलाइन ही देखा था, उसी को ही बनाऊंगी, पनीर के साथ, विदाउट हरी मिर्च, विदाउट लहसुन एंड प्याज का, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे, बाकी सब्जियां और पूरी भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। पहले ही बना लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कितना देर अभी बैठ पाऊंगी। और पूरी यहाँ पे हलवा और आलू सब्जी भी बन गया है, अभी बस मेरे को पनीर बनाना है। अभी पनीर के लिए इसमें ना मैं पोस्तो और यानी कि खसखस और चार मगज डालूंगी। मेजरमेंट तो फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मेक श्योर कि दोनों इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। अब इनको ना मैं ड्राई रोस्ट कर दूंगी, मतलब ड्राई ग्राइंड कर दूंगी, रोस्ट नहीं, ड्राई ग्राइंड कर दूंगी। तो ऐसे ही थोड़ा सा पाउडर टाइप ग्राइंड करना है। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और अदरक, अदरक कुटी हुई मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा पानी में ग्राइंड करूंगी। अभी कुकिंग करूंगी, एंड कुकिंग के लिए मैं घी यूज करूंगी, इलायची और दालचीनी। तो मैं घी पहले डाल दूंगी, और इलायची डाल दूंगी, थोड़ा सा अच्छे से खुशबू आ जाएगा इसका। उसके बाद जो पेस्ट है उसे डाल दूंगी। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तेल में आप हरी मिर्च डाल सकते हो, या फिर मैं ऐसे चीरा मार के डाल रही हूँ, थोड़ा सा तीखा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कुक करना है। पनीर को आप फ्राई करके भी डाल सकते हो, बट मेरे को फ्राइड वाला
हम लोग को ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही रॉ वाला डाल रही हूँ। एंड ये होममेड पनीर है, घर पे ही मैं बनाती हूँ। थोड़ा देर मैंने भून लिया है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, इसमें चीनी भी डलता है तो आपका चॉइस है, चीनी डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। थोड़ा सा सेमी ग्रेवी रखी हूँ और लास्ट में गैस को बंद करने से पहले थोड़ा सा घी डालते हैं। सो गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हेडेक कम हो रहा है। अभी फिलहाल 10:40 हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत पूजा का तैयारी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि 1 घंटा तो आराम से लग जाता है पूजा करने में, एंड प्रिपरेशन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। पूजा हो चुका है डन। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और अच्छे से हंसते रहिए। और पूजा तो आप देखे ही, बड़े ही शांति और श्रद्धा से हमने किया है। भगवान को मैंने पिंक थीम से सजाया, दो मैंने येलो और वाइट थीम बैकग्राउंड में रखा था, बट भगवान का जो वस्त्र था वो पिंक था और फ्लावर्स में उस हिसाब से पिंक ली थी, और मैंने भी थोड़ा सा वाइट एंड पिंक थीम के हिसाब से ही भगवान के साथ ट्विनिंग करने की कोशिश की है। और अभी काफ़ी लेट हो चुका है, मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, मेरा हालत काफ़ी टाइट है। तो अभी प्रसाद खाएंगे हम लोग, और आज का ये व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये जन्माष्टमी वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर देना। इसके बाद मैं कभी ब्रेक नहीं लूंगी गाइस, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। गणपति का भी सेलिब्रेशंस करती हूँ, उसका भी व्लॉग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं गणपति के टाइम में बड़े जोर शोर से जैसे जन्माष्टमी मनाती हूँ वैसे गणपति मनाती हूँ। सो या इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिव बाय एंड टेक केयर।